हाँ, इसे देखिए जनाब, हाँ जरा इसे देखिए दोस्तों, यही तो है वो चीज जिसकी हम तलाश कर रहे थे। अरे ये तो मेरे ख्याल से ये एक फाइल स्नेक है। हाँ ये फाइल स्नेक ही है। अरे ये बड़ा ही प्यारा होता है, इसे देखकर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। दरअसल ये वही सांप है जो बचपन में मेरे पैरों के पास से होकर के गुजरा था। ओह ये घास अटक गई है यहाँ पर, थोड़ी सी मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। इसे यहाँ पर रख देते हैं। ये देखिए ये कितना शांत है। ये है फाइल स्नेक जो कि जहरीला नहीं होता। इसकी त्वचा का जो टेक्सचर है वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। ज़मीन पर रहने वाले सांपों की तुलना में इनकी त्वचा बहुत ज़्यादा रफ होती है, किसी सैंड पेपर की तरह होती है। इसे पहचानने का तरीका है इसका ये रंग, और दूसरा जो तरीका है वो इसकी पूँछ। इसकी पूँछ जो है वो ज़मीन पर रहने वाले सांपों की तरह ही नुकीली होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूँछ एक संकेत है कि ये सांप जहरीला नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई समुद्री सांप दिख जाए जिसकी पूँछ चप्पू की तरह चपटी हो तो समझ जाइए कि वो एक जहरीला सांप है, और उससे उलझने की गलती आप मत कीजिए क्योंकि उनका जहर वाकई में आपकी जान लेने की क्षमता रखता है। ये देखिए ये छोटे से इस टाइड पूल के अंदर फंस गया था, मैं इसे पानी में रखने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती से यहाँ पर तैर रहा है इस पानी के अंदर। वैसे ज़मीन पर रहने वाले सांपों की तरह इस सांप को भी सांस लेने के लिए सतह के ऊपर आना पड़ता है, और अपने एक लंबे बड़े फेफड़े के अंदर ये ज़ोरदार सांस भर लेता है। उसके बाद अपनी सांस को रोककर समुद्र की गहराई में गोता लगा देता है ताकि वहाँ पर घूम रही, वहाँ पर तैर रही छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर सके। इसके पास भी ज़मीन पर रेंगने वाले सांपों की तरह दो मुहा जुबान होती है जिसे ये बाहर निकालता है और पानी के अंदर मौजूद मछलियों के छोटे छोटे छोड़े हुए पार्टिकल्स को सूंघता है। इसके मुंह के अंदर जबड़े में ऊपर की तरफ जेकबसन ऑर्गन्स होते हैं जिनमें वो दो मुहा जुबान वो अंदर की तरफ लेकर जाता है, जिसकी वजह से इसे पता चलता है कि सामने शिकार है या शिकारी। आप देख सकते हैं ये इतना छोटा तो है लेकिन बड़ा ही प्यारा और शांत भी है। आमतौर पर लोग सांपों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आप इन्हें प्यार से हैंडल करें तो ये बहुत ही एक मिनान से आपके साथ भी किसी पालतू जीव की तरह एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए अब मैं इसकी मुश्किलों को थोड़ा आसान कर देता हूँ और इसे इसके घर यानी उस समुद्र में पहुँचा कर आता हूँ। वो देखो, शायद मैं जानता हूँ कि हमें यहाँ पर क्या मिला है। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर? मैं नहीं चाहता कि हम उसे चौंका दें क्योंकि वो बहुत ही कुशल होता है। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर आकर के देखते हैं, अगर वहाँ पर कोई दरार हुई तो ये भाई साहब अंदर धंस जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसे छुपने की कोई जगह नहीं। आ जाओ आ जाओ, जरा इसे नज़दीक से तो देखो। वाव, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे ये भाई साहब मिल पाएंगे। ये है एक ऑक्टोपस। वाव, वैसे तो ये पानी के अंदर गहराई में रहना पसंद करते हैं लेकिन ये भी ज्वार के बहाव का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस तरफ एक छोटा सा टाइड पूल है और इस तरफ एक टाइड पूल है, तो मेरे हिसाब से ये जनाब वहाँ से निकल करके आए होंगे, यहाँ पर आराम फरमाने के लिए बैठे और फिर चल करके वहाँ पर दूसरे टाइड पूल में जाने की इनकी कोशिश होगी। और उसी वक्त मेरी नज़र इस पर पड़ गई। चलिए मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। वैसे क्या आप जानते हैं कि सभी ऑक्टोपस की जो प्रजातियाँ हैं वो जहरीली होती है, लेकिन इनमें से जो सबसे ख़तरनाक प्रजाति होती है वो है ब्लू रिंग ऑक्टोपस। खुशकिस्मती से हिंद महासागर में वो प्रजाति पाई नहीं जाती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के तीन तीन दिल होते हैं, इनके 9 दिमाग होते हैं, 8 पैर होते हैं, और यह अपने आप में ही एक यूनिक प्रजाति का जीव है। ऑक्टोपस जो है वो गहरे समुद्र में चट्टानों की दरारों में जाकर के अंडे देते हैं, और जो मादा होती है वो कम से कम 1,00,000 से 5,00,000 तक अंडे दे देती है। उसके बाद वो 4 से 5 महीनों तक उन्हीं अंडों के पास बैठी रहती है उनकी रखवाली करने के लिए, और इस दौरान वो कुछ भी नहीं खाती है। दुख की बात यह है कि जब उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो भूख के कारण उनकी माँ मर जाती है। चलिए इसे पानी में रख देता हूँ। काट मत लेना बच्चे। ऑक्टोपस की एक और ख़ास बात यह है कि कई बार ये अपनी ही भुजाओं को खा जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ये छोटा सा पैर है इसका थोड़ा सा हिस्सा गायब है। दुर्भाग्यवश अपने ही पैर खाने की वजह से यह ऑक्टोपस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बहरहाल यही कुदरत है और मैं हकीकत बदल नहीं सकता। कुछ जानवर तो इतने बेहतरीन छलावरण के उस्ताद होते हैं कि वो ऐसे माहौल में भी बड़ी अच्छे से छुप। अरे ये देखिए,
इसे देखिए जनाब, ये क्या है? मैं यही तो कह रहा था, इतने ज़बरदस्त होते हैं छलावरण के उस्ताद। ये कितनी खूबसूरती से यहाँ पर छुपा हुआ है, और इसका जो रंग है वो इस माहौल के साथ मिलता जुलता है। खुशकिस्मती से ये थोड़ी सी रेत वाले माहौल में यहाँ पर बैठा है, इसलिए मेरी नज़र इस पर पड़ गई। और ये मुझे नहीं पता ये क्या है, सच कहता हूँ मुझे नहीं पता कि ये कौन सा जीव है, क्योंकि समुद्र में इतनी सारी प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं कि उन सब का अध्ययन कर पाना और उन सब की पहचान कर पाना सच में मुश्किल है। लेकिन क्योंकि अमूमन कुदरत में जो है जितने भी जहरीले जीव होते हैं उनका रंग चटक रंग होता है, लेकिन ये वाला एक ही रंग का है और ये हल्का है। चलिए मैं इसे उठाने की कोशिश करता हूँ। इसका सिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो छोटे छोटे पत्थरों के बीच में इसने अपना सिर डालकर रखा है, और इसकी आंखें भी सिर के आगे की तरफ है, इसलिए इसे दिख नहीं रहा कि इस वक्त मैं इसे देख रहा हूँ। इसलिए मैं इसे हल्के से उठाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है। इसे देखिए, ओह इसने अब मुझे देख लिया है, लेकिन ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसे देखिए यहाँ पर, ये बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही चिपचिपा है, फिसलन भरा है। दिक्कत यह है कि ये इतना छोटा है कि ये हल्के से पानी के बहाव के साथ भी किनारे की तरफ बहकर आ सकता है, और ये ज्वार जब बढ़ गया होगा तब ये उस पानी के बहाव के साथ बहकर आ गया होगा, और जब ज्वार उतर गया तो वह इन चट्टानों के सहारे ये फंस गया, अटक गया, और अब ये इंतज़ार करेगा फिर से पानी के ज्वार के आने का। चलिए इसे मैं फिर से पानी में रख देता हूँ, यहाँ पर रख के दिखाता हूँ। ये देखिए इसका जो रंग है ये यहाँ जमा हुई ये काई के साथ मिलता जुलता है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी है कि ये मेरी नज़र में आ गया, और अब मैं इसका ये जो कठिन सफ़र है इसे पार करने में मदद कर दूँगा। चलिए इसे भी लेकर जाते हैं पानी में छोड़ने के लिए। ये एक सेकेंड, आ रहा हूँ। क्या दिख रहा है मुझे, क्या देखा तुमने एग्जैक्टली? मेरे ख्याल से अरे वो रहा वहाँ पर, एक सेकेंड। इसे देखिए जनाब, ज़रा इसे देखिए दोस्तों, यही तो है वो चीज़ जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर? ओ ओ ओ ये देखिए, एक पल के लिए मुझे लगा इसने मुझे पकड़ ही लिया। ये देखिए तो यही तो है वो खूबसूरत सा सांप जिसकी हम तलाश कर रहे थे। मुझे नहीं लगता इसने शायद इससे पहले कभी भी किसी इंसान के स्पर्श को महसूस किया होगा। ये तो ज़बरदस्त है दोस्तों, ये है समुद्र के सबसे जहरीले सांपों में से एक, हुक नोज्ड सी स्नेक, जो यहाँ पर इस टाइड पूल के अंदर था। पता नहीं कब यहाँ पर ये आया होगा, लेकिन अब इसके लिए एक अच्छी खबर ये है कि हम इसे लेकर के जाने वाले हैं समुद्र के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं इसे वहाँ पर लेकर के जाता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें, ठीक है? यहाँ पर रख देता हूँ इसे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, यही है वो खूबसूरत सा सांप जिसकी हम तलाश कर रहे थे। आखिरकार मुझे ये जनाब दिख गए उस छोटे से टाइड पूल में। मैंने तो एक पल के लिए मान लिया था कि अब हमारा ये एक्सपीडिशन इसे ढूंढे बगैर ही इनकम्प्लीट रह जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें दिख चुका है और ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर रख देता हूँ इसे अच्छे से। इसे इसका नाम हुक नोज्ड सी स्नेक इसलिए मिला है क्योंकि इसका चेहरा बाकी सभी सांपों से बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं इसका नाक किस तरह से उभरा हुआ है, और इसके अजीबोगरीब चेहरे के कारण ही इसे हुक नोज्ड सी स्नेक या फिर बीक्ड सी स्नेक कहा जाता है। इसके अलावा आप इसका रंग देख सकते हैं, ये बिल्कुल किसी काई की तरह है। पत्थरों के ऊपर जब पानी ज़्यादा देर तक ठहरता है तो वहाँ पर काई जमा हो जाती है, और उस काई के जैसे ही रंग इसके शरीर को प्रकृति ने दिया हुआ है ताकि ये अगर वैसे इलाके में रह जाए तो कोई भी उसे आसानी से देख ना सके। और मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि ये जनाब जहरीले है, इसके अंदर भी कोबरा और क्रेट की तरह न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। बस दिक्कत यह है कि इसका जहर कोबरा के जहर से लगभग 8 से 10 गुना ज़्यादा तीव्र और तेज़ होता है, जिसके कारण इस सांप को सबसे ख़तरनाक सांपों में से एक का दर्जा मिलता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कितना शांति से बैठा हुआ है, ज़मीन के ऊपर ये बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, लेकिन पानी के अंदर ये कुशल तैराक होते हैं। आप इसका शरीर देख रहे हैं, मैं आपको धीरे से इसका शरीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ज़मीन के ऊपर जो सांप होते हैं वो गोल आकार होते हैं, लेकिन इसका शरीर मछली की तरह चपटा है। आप देख रहे हैं इसे, और इसे देखिए,
ये है इसकी खूबसूरत पूंछ, बिल्कुल किसी चप्पू की तरह। इसका चपटा शरीर और ये चप्पू की तरह खूबसूरत चपटी पूंछ इसे पानी के अंदर एक कुशल तैराक बनाती है। ये बड़ी कुशलता से पानी के अंदर तैर सकता है और बड़ी तेज़ी के साथ अपनी पूंछ की मदद से अपनी दिशा को बदल सकता है। ये पूंछ किसी रेडार की तरह काम करती है। मुझे नहीं लगता इस सांप ने इससे पहले कभी भी किसी इंसान के स्पर्श को महसूस किया होगा। वैसे इसकी खाल भी किसी सैंड पेपर की तरह खुरदुड़ी है और बहुत मोटी है। ऐसी खाल होना ज़रूरी भी है क्योंकि ये जो आप पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए बहुत नुकीले हैं। अगर इनकी खाल कमज़ोर या फिर पतली हुई तो बड़ी आसानी से यहाँ पर इन्हें घाव लग सकता है, इसलिए प्रकृति ने इसे इतना मजबूत बनाया है। भले ही ये सांप समुद्र के अंदर रहता हो, लेकिन इसकी कमाल की बात यह है कि इसे भी ज़मीन पर रहने वाले सभी सांपों की तरह सांस लेने के लिए हमेशा सतह के ऊपर आना पड़ता है। यानी ये भाई साहब भी हमारे ही तरह हवा में सांस लेते हैं। इनके इस लंबे बड़े शरीर के अंदर एक लंबा बड़ा फेफड़ा होता है। यह सतह के ऊपर आता है, ढेर सारी ऑक्सीजन उसके अंदर भर लेता है और पानी के अंदर गहराई में गोता लगा लेता है। फिर वहाँ पर वो मछलियों का शिकार करता है और लंबे समय तक पानी के अंदर ठहर सकता है। इसके बाद जब इसे सांस लेने की ज़रूरत होती है तो ये अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है और ठीक किसी सबमरीन की तरह ये अपने आप तैर कर सतह के ऊपर आता है फिर से सांस लेने के लिए। सांस रोकने की इसकी कमाल की क्षमता एक तरफ इसके लिए फ़ायदे का काम करती है, लेकिन दूसरी तरफ यही क्षमता इसके लिए नुकसानदायक भी साबित होती है। कई बार ये बेजुबान जानवर मछुआरों के जालों में फंस जाते हैं और ये सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आ पाते और डूबने के कारण इनकी मौत हो जाती है। ये पानी के ज्वार का शिकार होकर ये सांप उस टाइड पूल में फंस गया होगा। वो अच्छा खासा बड़े आकार का टाइड पूल तो है, लेकिन इसके हिसाब से वो छोटा ही है क्योंकि इसका असली घर उस टाइड पूल के मुकाबले लाखों गुना बड़ा है। यानी कि वो अखंड महासागर जो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। अब इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और ये और हम यहीं पर अटक करके रह जाए, हम उसे दोबारा इसके घर में पहुँचाने का एक प्रयास करते हैं। उसके बाद फिर हमें भी तो अपने घर जाना है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी बच्चे, जो तुम हमारी नज़रों में आ गए। अब तुम्हारा यह कठिन सफ़र मैं थोड़ा आसान कर सकता हूँ। चलिए इस हुक नोज्ड सी स्नेक को इसके असली घर यानि महासागर में लेकर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा शुक्रिया अदा करेगा। कमाल की खोज हुई है। इन जानवरों के बारे में जानना एक बात है, लेकिन इन्हें इतने नज़दीक से देखना एक हैरतअंगेज़ अनुभव होता है। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इन जानवरों को इतने नज़दीक से देखने का मौका मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इन्हें इनके घर यानी उस महासागर तक जाने में इनकी सहायता की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा समुद्री तट के अन्वेषण और अध्ययन का ये सफ़र देखकर मज़ा आया होगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए, आपका सबसे मनपसंद समुद्री जीव कौन सा है? क्या वो उन्हीं में से एक है जो मुझे यहाँ पर मिले थे? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है अगले आने वाले एपिसोड में आपका सबसे मनपसंद समुद्री जीव हमारे अन्वेषण और अध्ययन का विषय बन जाए। खैर, अपना कीमती समय देकर ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।